डाटेजान इंडस्ट्रियल एरिया में भारतीय ट्रेडर्स बोल के एक बैटरीज का कारोबार करने का एक कंपनी है। वो कंपनी में 20th के नाइट एक चोरी हुआ बड़ा बोल के इंफॉर्मेशन पे हम लोगों पुलिस पूरा वहां गए। 50 लाख कैश नेट कैश में 50 लाख को चोरी करके गया बोल के कंप्लेंट दिए थे। वो इन्वेस्टिगेशन पहले वो तरीका और कैसा भाग गया उसका जो प्रिकॉशंस लिया उसके बारे में देखने के बाद हमारे को ये मालूम पड़ी कि ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में करा ये पूरा गैंग बोल के। जब CCS शमशाबाद राजेंद्र नगर साइबराबाद का क्राइम्स DCP नरसिम्हा सर और मैलाडेवपल्ली इंस्पेक्टर DI सब लोगों मिलके बहुत मेहनत कर रहे थे 10 दिन के लिए। आज इसमें 4 आदमी को पकड़ा गया और 16 लाख रुपए नेट कैश सीज करे, बाकी का आदमी भी और बाकी का मनी भी सीज करके। ये डिटेक्ट होने के बाद हमारे को ये मालूम पड़ा ये गैंग इससे पहले भी अतापुर लिमिट्स में अटेंशन डाइवर्शन एक करके 9 लाख रुपीस ले गए थे। वो केस में वो लोगों अरेस्ट होके बाहर आने के बाद एक 10 लोगों मिलके इकट्ठा 9 लोगों ने इकट्ठा बने थे प्लान करे। वो लोगों क्या समझे बोले तो ये इंडस्ट्रियल एरिया में कैश ट्रांजैक्शन से चोरी करना इजी बोल के एक इंफॉर्मेशन लगा लिए। 2 आदमी को खाली वो वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में काम करते हुए रोज बाहर आते रहते वो लोगों के साथ वो इंफॉर्मेशन लिए। इसके पीछे पूरा 11 लोगों है, 2 लोगों तो इंफॉर्मेशन दिए, 9 लोगों पूरा ये फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है। वो लोगों ये प्लान करने के बाद जब इंफॉर्मेशन मिला एक ये कंपनी में 50 लाख आया एक दिन ना 2 दिन यहीं रहेगा बोल के इंफॉर्मेशन आने के बाद एक मेडिकल शॉप में ब्लैक मास्क से फेस मास्क परचेज करे, हैंड ग्लव्स परचेज करे थे। एक ट्रैवल्स का के पास जाके एक इनोवा हायर के किराए पे ले लिए और 2 मोटरसाइकिल उनका। ये पूरा पूरा एक तरीका से प्लान करके ही वो लोगों 2 बजे वहां पहुंचे। एक आदमी गेट खोद के अंदर गया था, डोर तोड़ने के बाद कुफल तोड़ने के बाद सब लोगों अंदर गए थे। 50 लाख रुपए पूरा बीरवा से चोरी करके ले गए थे वो लोगों को। और मॉर्निंग 6 o'clock वो 3 बजे करे 6:30 को वो इटोवा उसको रिटर्न कर दिए थे। अभी तक वो ट्रैवल्स वाले को भी नहीं मालूम वो गाड़ी इस्तेमाल करा बोल के। वो नाइट रातों रात उसमें वो नंबर प्लेट भी बदला के वो कर्नूल का नंबर डाला, वो दूसरा नंबर पे पुलिस को मिसलीड करने के वास्ते ऐसा गए करे थे वो लोगों। ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, इससे पहले भी केसेस है इनके ऊपर। अगर पूरा इंक्वायरी करने के बाद और बाकी लोगों को पकड़ने के बाद इस पे PD एक्ट लगाने के कोशिश करते हम लोगों, अगर फिट हुआ तो वो लोगों को। और मैं ये कंपनी वालों को और ये ट्रैवल्स लोगों को मैं अभी ये एक बोलना चाह रहा हूँ, ये अनअकाउंटेड मनी ऐसा 50 लाख एक बोलना चाह रहा हूँ, ये अनअकाउंटेड मनी ऐसा 50 लाख 1 करोड़ लाके वहाँ कंपनीज में रखना, उसका सिक्योरिटी नहीं रहता, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं रहता, खाली 2 वर्कर जो रात में वहाँ रहते वो लोगों सोते रहते, उसका उतना सिक्योरिटी नहीं बस होती। वो अनअकाउंटेड एक मनी का ट्रांजैक्शन वहाँ बंद कर देना, इसलिए ये केस में 50 लाख भी ये अनअकाउंटेड 2 ही लोगों आके वहाँ रखे ना, इसलिए ये केस भी आईटी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं हम लोगों। अब से ये काटेदान इंडस्ट्रियल एरिया में अगर कोई भी अनअकाउंटेड मनी से ऐसा कारोबार करना है तो हम भी इंफॉर्मेशन रखते हैं। नंबर 1, नंबर 2 ये ट्रैवल्स का कंपनीज हम किन को बोले तो उनको एक 10,000 आ जाता बोल के ज्यादा पैसे लेके उनका आइडेंटिटी भी प्रूफ नहीं लेके किनको भी ऐसा दे के, और ये क्राइम में अगर वो व्हीकल इन्वॉल्व हुआ तो वो ट्रैवल वालों को ये तो नहीं मालूम ये क्राइम में इन्वॉल्व हुआ बोल के, लेकिन क्राइम इन्वॉल्व हुआ बोल के वो गाड़ी को तो हम सीज करना पड़ रहा। डकैती केस में ये केस ये गाड़ी गए तो नहीं आता, आज उतना ईजी नहीं है वो गाड़ी बाहर लेने का ट्रैवल्स को भी, इसीलिए किसी हालत से भी जो आदमी को कॉन्फिडेंस नहीं है, जो आदमी का वो ID प्रूफ ठीक तरह से नहीं दे सकते वो लोगों को गाड़ियां नहीं देना। वो क्राइम में इन्वॉल्व हुआ तो वो लोगों का भी तकलीफ उठाना पड़ेगा, इसलिए कंपनी वाले और ट्रैवल्स वाले भी
उनका बिजनेस में देख के करना। और ये CCS राजेंद्र नगर और शमशाबाद एंड मैलारदेवपल्ली पुलिस को मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ, क्योंकि 10 दिन ये लोगों रात दिन रात भर वो लोगों काम करके लाए थे ये केस डिटेक्ट करे। थैंक यू। 11 यही चंद्रायन गुटा नहीं तो यही फलकनामा हमारा मिलके ही। हाँ, अट्टेपल्ली हमारा ये है ना वो भी।